सो वेलकम टू केमएक्सप यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पिरोल के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, जो भी रिएक्शन पॉसिबल है पिरोल में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज साइक्लोएडिशन, न्यूक्लियोफिलिक जो भी रिएक्शन पॉसिबल है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। मैंने जो भी यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉ किया है, देखो ये क्वेश्चन बेसिकली सी एस एन एट गेट आई टी जे एम से मैंने पिकअप किया है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी है। नाउ हमने जो पहले वीडियो में डिस्कस किए थे पिरोल में कौन सी पोजीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ऑलराइट, उसके बारे में डिटेल्स में हमने उसमें मैकेनिज्म स्टडी किए थे। तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ, अगर हम लोग पिरोल के बात करेंगे, सो दिस इज अ पिरोल, अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच, तो बेसिकली टू और फाइव पोजिशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो यहाँ पे डोनेट करता है, राइट। तो ऐसे करके इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करता है, राइट। उसके बाद री एरोमेटाइज होता है, फिर ऐसे करके रिएक्ट करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑलरेडी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद ये री एरोमेटाइज कर देता है। तो ऐसे करके हम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है, राइट। तो हम ये तो हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में। तो आज हमने जो रिएक्शन है पॉसिबल, जितना भी रिएक्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कैसे पिरोल को सिंथेसाइज करेंगे, सो देयर इज अ प्रोसीजर इज नेम नॉट पिरोल सिंथेसिस। अगर हम लोग यही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो हम लोग के पास ये देखो एक पिरोल है, तो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है जहाँ से हम लोग को पिरोल सिंथेसाइज करना है, ये तो एक ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूट पिरोल है, राइट। तो अगर हम लोग इसका रेट्रो सिंथेसिस करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, CH3 ठीक है ना। फिर अगर यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो रेट्रोसिंथेसिस में क्या मिलेगा, CH3CO NH2 और यहाँ पे कीटोन था CO2ET। तो सेम क्वेश्चन CSIR नेट में एक बार आया था, ये सिमिलर क्वेश्चन। तो अगर हम लोग ये कीटोन कंटेनिंग एमीन के साथ, इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लेट से KVH, तो हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते कैसे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो ये तो हमने रेट्रो किया है, राइट। तो ये बैक स्टेप था, तो हम लोग अभी सीधे जाना है कैसे हम लोग प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करेंगे। अभी देखो ये जो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा उल्टा करके लिखा है, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी देखो ये एमीन जो है, एमीन कीटोन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, इमीन फॉर्म करते हैं, राइट। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इमीन CO2ET। नाउ ये इमीन बहुत ही रिएक्टिव है, हम लोगों को पता है। तो ये जो एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे है वो यहाँ पे ऐसे करके C(OO) देन यहाँ पे NH(CO2ET) एंड देन यहाँ पे CO2ET, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो लोन पेयर है ये ऐसे पुश करेगा, ये डबल बॉन्ड जाके यहाँ पे साइक्लाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 फाइव मेंबर साइक्लेशन हो रहा है, फाइव मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है, राइट। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, CH3OH यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा CO2ET एंड हमारे पास है CO2ET, ठीक है ना। ये जो प्रोटॉन है और ये जो प्रोटॉन है, अभी ये जो KVH मीडियम में क्या करेगा, ये ऐसे करके इसको न्यूट्रलाइज करेगा और ये वाटर रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो रहा है, उसके बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी देखो अगर हम लोग इसमें KVH के साथ रिएक्शन करेंगे, ये तो KVH मीडियम में कर रहे, तो वंस ये एस्टर है तो एस्टर क्या करेगा, KVH के साथ हाइड्रोलिसिस करेगा, एस्टर एसिड होगा, तो क्या मिलेगा,
ठीक है। अभी देखो अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे करके यहाँ पे प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देन हम लोग को क्या मिलेगा, COOH। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल टू पोजीशन में जा रहा है, देखो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था दिस इज टू पोजीशन, तो टू पोजीशन में H प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल इनकॉर्पोरेट हो गया, राइट। अभी ये प्रोटॉन किधर से आ रहा है, नॉर्मली क्या होगा ये इतना ही इलेक्ट्रॉन रिच होता है जो वाटर से भी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट। अभी बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसका O माइनस फॉर्म होगा बेसिक मीडियम, केवेज मीडियम में तो क्या करेगा ये इधर से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, राइट। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा हम लोग को, दैट विल बी दिस प्रोडक्ट या पे COOH, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग पिरोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं, सो इट्स कॉल्ड नॉट पिरोल सिंथेसिस, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी अगर हम लोग इसका रिएक्शन को देखेंगे तो हम लोग को ये भी पता है पिरोल इलेक्ट्रॉन बहुत रिच होता है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है बट होता भी नहीं, राइट। ये हम लोग को ये पता है। ओके, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे ये रिएक्शन जितना भी ड्रॉ किया है, अगर हम लोग फर्स्ट रिएक्शन को देखेंगे, दिस इज द ब्रोमीन एंड इथेनॉल। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये रिंग बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अगर हम लोग ब्रोमीन इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली ब्रोमिनेशन होगा। कहाँ पे होगा, सब पोजिशन में, 1 2, तो नंबरिंग कर देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, राइट। तो कहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, ये इतना ही इलेक्ट्रॉन रिच होता है, 2 3 4 5, चार ब्रोमीन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो अभी अगर हम लोग यहाँ पे नाइट्रेशन करेंगे, इसका इसमें क्या बनेगा हमारा, नाइट्रोनियम आयन, राइट। तो क्या होगा, नाइट्रेशन प्रोडक्ट बनेगा, राइट। कहाँ पे बनेगा, टू पोजीशन में, हम लोगों को पता है, बट ये फॉर्म नहीं होता है, तो ये रिएक्शन नहीं होता है। तो क्या होता है, देखो ये जो मीडियम है एसिड मीडियम, राइट। तो एसिड मीडियम में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एच प्लस। तो अगर यही कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इंस्टेड ऑफ दिस ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा, किस पोजीशन में, टू पोजीशन में, जैसे इलेक्ट्रोफाइल इनकॉर्पोरेट होता है सिमिलरली एच प्लस यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगा, कुछ इस तरह से ऐसे लोन पर आएगा, ये ऐसे आएगा, तो ये जाके एच प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। सो ये बन गया हमारा पॉजिटिव डबल बॉन्ड दिस, राइट। अभी क्या करेगा, ये जब इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो और एक पिरोल आके इसके साथ रिएक्ट करके डाइमराइज करेगा लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये ऐसे अटैक करेगा, तो ऐसे करके कुछ डाइमराइज फॉर्म होगा, सिमिलरली और एक प्योर आके या फिर रिएक्ट करेगा तो ऐसे करके पॉलीमराइज फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो इसलिए अगर हम लोग नाइट्रेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को नाइट्रेशन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इंस्टेड ऑफ दिस हम लोगों को पॉलीमराइज और डाइमर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट। तो कैसे हम लोग नाइट्रेशन करेंगे, अगर हम लोग मीडियम में एच प्लस का सोर्स बंद कर देंगे और बस नाइट्रोनियम आयन का सोर्स रखेंगे तो नाइट्रेशन पॉसिबल है लाइक दिस एग्जाम्पल। तो ये हमारा ए प्रोडक्ट है, तो ये हमारा बी प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे तरह से CH3CO कुछ नाइट्रोनियम का अगर डेरिवेटिव यूज़ करेंगे जहाँ पे कहीं पे भी H प्लस का सोर्स नहीं है, तो ये हमारा नाइट्रोनियम का सोर्स होगा NO प्लस NO2 प्लस, तो ये अटैक इधर पे होगा, तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे नाइट्रोनियम प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज द टू प्रोडक्ट, राइट। तो दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट।
मेजर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? थ्री पोजिशन में. सो इट विल बी योर माइनर प्रोडक्ट. क्लियर हो गया? सो दैट विल बी योर सी. तो ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पिरोल में कर सकते हैं. ऑलराइट, अभी देखो अगर हम लोग यहाँ पे ये रिएक्शन को करेंगे डीएमएफ एंड पीओसीएल थ्री, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं व्हील्समायर, वी आई एल एस एम ई आई ई आर, कुछ इस तरह से स्पेलिंग है. व्हील्समायर रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेगा? राइट, अगर हम लोग यहाँ पे डी वाला स्टेप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डीएमएफ. डीएमएफ का स्ट्रक्चर क्या होता है? एन सी ओ एन एम ई टू, उसके बाद क्या है यहाँ पे? पी ओ सी एल थ्री. तो ये रिएजेंट क्या करेगा? पी ओ सी एल सी एल सी एल. तो लोन पे ऐसे पुश करेगा, ऑक्सीजन जाके इधर अटैक करेगा और कुछ इस तरह से सी एल को रिमूव कर देगा. तो क्या फॉर्म होगा? एच ओ पी ओ सी एल सी एल डबल बॉन्ड एन एम ई टू प्लस, ठीक है. अभी जो सी एल यहाँ पे रिमूव हुआ है वो जाके इधर अटैक करेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा. देन हम लोगों को क्या मिलेगा? एच सी एल एन एम ई टू ओ पी ओ सी एल, ठीक है. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो ये जो नाइट्रोजन का लोन पड़ी है ऐसे करके पुश करके, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, राइट. तो हम लोगों को ये बन जाएगा. तो ये बन गया हमारा एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल. ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस केस. व्हील्समायर रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से, ठीक है. अभी यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? ऐसे करके देखो नाइट्रोजन ऐसे पुश करेगा तो टू पोजिशन से इधर पे अटैक करेगा और इसको यूटिलाइज करेगा, राइट. तो हम लोगों को क्या मिलेगा? आफ्टर एरोमेटाइजेशन हम लोगों का सी एल देन यहाँ पे एन एम ई टू, ठीक है, आफ्टर डिप्रोटोनेशन, ठीक है. उसके बाद देखो नाइट्रोजन जाके ऐसे करके पुश करेगा तो ये रिमूव हो जाएगा. तो डबल बॉन्ड एन एम ई टू, दिस इज अवर इमीन. अच्छा, उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया. अगर अभी देखो ये जो प्रोडक्ट बना है इसके साथ अगर हम लोग बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे सोडियम कार्बोनेट और वाटर के साथ, अगर हम लोग इसको वर्कअप करेंगे तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी टू सी एच ओ, सॉरी, राइट. सो दैट विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट. सिमिलरली अगर हम लोग ये जो रिएजेंट है, दिस इज कॉल्ड मैनिक रिएक्शन, राइट. हम लोग को पता है मैनिक रिएक्शन. अगर हम लोग यहाँ पे मैनिक रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? मैनिक रिएक्शन सबको पता है, तो मैं जस्ट इसका इंटरमीडिएट ड्रॉ कर देता हूँ. एच टू सी डबल बॉन्ड एन एम ई टू फॉर्म होगा. ये जो एल्डिहाइड और एमीन है उसके साथ रिएक्शन करके इमीन फॉर्म होगा. तो सिमिलर ये टू पोजिशन में कार्बन में अटैक करेगा तो ये ऐसे करके इसको न्यूट्रलाइज करेगा. तो हम लोग को क्या बनेगा? एन डबल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन यहाँ पे हाइड्रोजन देन यहाँ पे सी एच टू एन एम ई टू, उसके बाद ये, ठीक है. सो देन यू हैव एन ए एन एम ई टू, सो दैट विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट. अभी देखो, अच्छा ये बन गया हमारा डी प्रोडक्ट, ठीक है, ये नोट कर लो, ये डी प्रोडक्ट. अभी जो ये प्रोडक्ट बना है दैट इज योर ई प्रोडक्ट, राइट. ई प्रोडक्ट बने. अभी देखो फर्दर अगर हम लोग इसको मिथाइल आयोडाइड और सोडियम साइनाइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे, मिथाइल आयोडाइड के प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो एमीन है वो ऐसे करके, बिकॉज एमीन इज ए निक्रोफाइल तो इस इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करेगा और आयोडाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप. तो यहाँ पे क्या बनेगा? ट्राई एल्काइल अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा, दैट मीन्स एन एम ई थ्री प्लस फॉर्म होगा. अब ये जब फॉर्म होगा देखो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ है. तो क्या करेगा? ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ऐसे करके पुश करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से. तो ये निकल जाएगा. उसके बाद क्या बनेगा? अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूँ. उसके बाद क्या बनेगा? एन एज प्लस डबल बॉन्ड, राइट. अभी यहाँ पे क्या है? सोडियम साइनाइड, साइनो इज अ गुड न्यूक्लोफाइल, तो साइनो क्या करेगा? सी एन माइनस जाके इधर अटैक करेगा,
ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये ऐसे कहेगा और इसको ये न्यूट्रलाइज करेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर दिस प्रोडक्ट। ये क्लियर हो गया? तो ऐसे करके हम लोग इसका रिएक्शन कर सकते हैं, सो दैट विल बी आवर एफ, राइट? सो दिस विल बी आवर एफ, ठीक है? ऑलराइट, नाउ ऐसे करके हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरोल में कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी रिएक्टिव, राइट? ओके, नाउ तो हमने यहाँ पे इतना कंप्लीट कर दिया है, राइट? अभी देखो और एक पार्ट बाकी है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या है, देखो Cl3 क्या है, यहाँ पे Cl3C देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Cl, तो ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये ऐसे करके इधर जाके अटैक करेगा, ऐसे जाके Cl को रिमूव कर देगा, राइट? तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट बनेगा, एन एज आफ्टर डिपोटोनेशन। ऑब्वियसली मैं बार बार इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसको प्रोडक्ट को लिख ड्रॉ कर रहा हूँ CCl3। अभी देखो अगर हम लोग यहाँ पे नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग इस वाले केस को देखेंगे तो पिरोल में अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो इसका क्या होगा, डाइमर ट्राइमर पॉलीमराइजेशन हो रहा था, बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अभी देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे डाल दिया है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी रिंग का है वो थोड़ा कम हो गया, बिकॉज ये रिंग के साथ ऐसे करके कॉन्जुगेट करेगा, इसका रिंग का इलेक्ट्रॉन इसके डायरेक्शन में इसको पुल करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड इधर भी शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो सेंटर है इट इज़ रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच विथ कंपेयर टू दिस एंड दिस सेंटर, राइट? तो अगर ये नाइट्रिक एसिड सेकेंड स्टेप में हम लोग डालेंगे तो इसका पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, राइट? तो अभी अगर इसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो नाइट्रेशन किधर होगा, इस साइड में, बिकॉज ये जो कार्बन है देखो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज़्यादा है विथ कम्पेयर टू दिस, विथ कम्पेयर टू दिस एंड दिस। तो मैं इसका नंबरिंग कर देता हूँ, इसका क्या होगा नंबरिंग, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो 4 वाला कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज़्यादा है विथ कम्पेयर टू 3 to 5, राइट? और एक बात है, अगर हम लोग इस वाले पार्ट को देखेंगे, ये जो नाइट्रोजन है वो कुछ इस तरह से डोनेट कर सकता है, राइट, 4 कार्बन से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, तो दैट विल बी आवर एल, ठीक है? अभी देखो अगर हम लोग ये तो जो जो भी मैंने अभी डिस्कस किया दैट इज ऑल द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट? रिंग इलेक्ट्रोफाइल को जाकर अटैक कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग यही रिंग के ऊपर, अभी देखो अगर हम लोग ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो रिंग में एक PO CO PH ग्रुप है, देन यहाँ पे SO2 ME, तो दे आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो यही रिंग का अभी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घट गया, कम हो गया। तो अगर रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो यही प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, NO2 ME बेस है, तो ये जो प्रोटॉन है दैट इज द एसिडिक प्रोटॉन जो NO2 ME यहाँ पे उसको पिकअप करेगा, तो क्या होगा, विल हैव एन एज, सॉरी नॉट एज, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ फॉर्म होगा, राइट? देन यहाँ पे क्या है, Ac2Me CO PH, ठीक है? अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे करके ये होगा, बैक करेगा, तो ये एनोलेट का ये सेंटर है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जाके इधर अटैक करेगा, ठीक है? ये डबल बॉन्ड जाके इधर अटैक करेगा, तो ऐसे करके ये कॉन्जुगेट करेगा। अभी देखो ये इस सेंटर में क्यों अटैक नहीं हुआ, क्योंकि सिमिलरली अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये जो कंजुगेशन SO2 ME के साथ नहीं होता है, राइट? सल्फर का स्ट्रक्चर इसका ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बड़ा है, तो डेफिनेटली इस साइड में अटैक होगा, एंड देन हम लोगों को क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है, देखो, देन यू हैव ए CO2 ME एंड यू हैव ए CO2 ME
यहाँ पे क्या है Su2Me डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ पे दिस O माइनस एंड pH, ठीक है ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Su2Me इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, तो ये ऐसे करके पुश करके इसको रिमूव कर देगा और हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा, सो दिस स्टेप इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन राइट, न्यूक्लियोफिलिक स्टेप राइट, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक स्टेप, रिंग के ऊपर रिएक्शन हो रहा है ओके, देन हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर दिस प्रोडक्ट, वन टू थ्री फाइव, तो ये क्लियर हो गया, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, सो दिस विल बी योर जी राइट। नाउ अभी देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज योर पीरोल, उसके साथ क्या है बॉक एनहाइड्राइड डीएमएपी। अच्छा बॉक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, टार्ट ब्यूटाइल देन यहाँ पे ओ देन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, आई थिंक कुछ इस तरह से होता है एनहाइड्राइड देन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ देन टार्ट ब्यूटाइल, तो ये जो नाइड्रोजन का सेंटर है वो जाके इधर अटैक करेगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा डीएमएपी इज अ बेस, डीएमएपी इज अ बेस ओके, तो क्या करेगा हम लोगों को ये इसके बाद जो प्रोटॉन एन प्लस फॉर्म होगा तो वो बेस जाके ये प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा डीएमएपी ओके, तो ये जो बनेगा दैट विल बी योर बॉक, सो सी डबल बॉन्ड ओ ओ टार्ट ब्यूटेल, तो यही पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉक ठीक है, ये जो पार्ट है ना सी ओ ओ टार्ट ब्यूटेल इसको हम लोग बोलते हैं बॉक। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड एंड देन यू हैव ए सू टू पी एच। अभी देखो जब बॉक आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना वो अभी इसके साथ कॉन्जुगेट कर रहा है, अभी रिंग के साथ नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया है, तो ये जो रिंग का अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसमें 4+2 साइक्लो एडिशन दैट मीन डील सेल रिएक्शन कर सकते हीटिंग कंडीशन में 4+2 अगर डील सेल रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये जाके इधर अटैक करेगा, सिमिलरली ये ऐसे अटैक करेगा और ये जाके इधर अटैक करेगा राइट, इसो टू पी एच देन डबल बॉन्ड इन देयर इज अ बॉक ठीक है। अच्छा मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। अभी देखो जो नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन है, तो ये इसका क्या करेगा, इसका रोल क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन ऐड करेंगे चारकोल जिसको हम लोग बोलते, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका हाइड्रोजनेशन होगा दैट मीन्स रिडक्शन होगा, तो दैट विल बी योर एन देन यहाँ पे बॉक तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन हो रहा है ये डबल बॉन्ड का। अभी देखो और एक बात मैं बोल देता हूँ, ये जो रिंग है इसके साथ अगर हम लोग नॉर्मल पिरोल के साथ अगर हम लोग यही इन के साथ अगर रिएक्शन करते दैट मीन्स अगर इसके साथ अगर हम लोग डायरेक्ट ये रिएक्शन करते तो ये रिएक्शन नहीं होता है, वाई बिकॉज उस टाइम में क्या होता है ना ये इसका रिंग का इलेक्ट्रॉनिक्सिटी इतना ज़्यादा होता तो हम लोगों को जो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है ना डील सेल रिएक्शन में वो नहीं होता, दैट मीन्स ये इस साइड से भी रिएक्शन कर सकते इस साइड से भी रिएक्शन कर सकते राइट, तो ये पॉसिबल नहीं होता है राइट, इसलिए हम लोग अगर यहाँ पे एक बॉक को इनकॉर्पोरेट करेंगे जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन को खुद के डायरेक्शन में लेके आएगा तो उस टाइम क्या होगा, ये जो डाइईन है इसका जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होता है वो फेवरेबल होता है डील सेल रिएक्शन में, सो देन दिस रिएक्शन इज फेवरेबल राइट ओके। नाउ ये जो रिएक्शन है देखो हमने जो हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल यूज किया है 10% उसमें ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो रहा है, बट अगर देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से सब्सट्रेट रहता है ना एन बॉक डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे CO2 कुछ Me और COME कुछ ऐसा रहता है ना COME इसके साथ अगर हम लोग हाइड्रोजन पैलेडियम 10% चारकोल यूज करते तो जो प्रोडक्ट बनता है ना वो मेजर प्रोडक्ट ये बनता राइट।
बट अगर हम लोग एसओ टू पीएच की बात करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बहुत ज़्यादा है विथ कंपेयर टू सीओएमई, राइट, विथ कंपेयर टू सीओएमई इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर उतना ज़्यादा नहीं है, तो क्या करेगा, ये बोथ साइड को रिडक्शन कर सकता है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एज, ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, दैट विल बी आवर एज, ओके। अभी जो लास्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है उसको हम लोग देख लेते हैं। Now let's talk about this reaction. अगर हम लोग यहाँ पे देखो जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन प्लैटिनम एसिडिक एसिड। तो इसका अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप करेंगे हाइड्रोजन प्लैटिनम एसिडिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, ये होल रिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट आई। सेकेंड वाले जो एग्जाम्पल है आई जे, जे में क्या है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एंड एन ओएच, राइट। तो हम लोग को राइमर टीमर रिएक्शन पता है, क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री, उसके साथ अगर एन ओ एच का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, देखो मैं इस यहाँ पे ऐसे करके मैकेनिज्म कर लेता हूँ, सी एच सी एल सी एल सी एल, तो एन ओ एच जाके क्या करेगा, ओ एच माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा, तो हम लोगों को क्या बनेगा, सी सी एल टू कार्बिन फॉर्म होगा, राइट। यही कार्बिन आके ये जो पीरोल का रिंग है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच, उसके साथ कुछ इस तरह से स्पेशल साइक्लेशन करेगा, दैट इज द थ्री मेंबर रिंग फॉर्म होगा, राइट। तो क्या फॉर्म होगा, एन एच सी सी एल सी एल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस रिंग इज नॉट स्टेबल, थ्री मेंबर रिंग है, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे पुश करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये सी एल एज ए गुड लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे जब ये रिंग एक्सपेंड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 सिक्स मेंबर रिंग हो रहा है, सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोजन है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो दैट विल बी आवर थ्री क्लोरोपिरिडिन, ठीक है। हम लोगों को क्या मिला है, थ्री क्लोरोपिरिडिन, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट, तो ये बन गया हमारा जे, ठीक है, तो ये है जे। अभी जो लास्ट जो एग्जांपल है यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एन ए देन यहाँ पे सायनो देन बी एच थ्री, सोडियम सायनो बोरोहाइड्राइट। तो इसका क्या काम होता है, सोडियम सायनो बोरोहाइड्राइट का, वो सिलेक्टिव रिडक्शन करता है इमीन का, राइट। ये हमने फर्स्ट टाइम ने डिस्कस किए थे, इसका रिडक्शन पावर भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे देखो क्या है, ट्राई फ्लोर एसिडिक एसिड। अभी एसिड मीडियम में क्या होगा, देखो अगर हम लोग इसको ऐसे करके यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एसिड मीडियम में क्या होगा, सिमिलरली ये प्रोटोन इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये प्रोटोन का एब्सट्रैक्ट करेगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, दिस, राइट। नाउ दिस पार्ट जो है, देखो ये जो पार्ट है ना, डबल बॉन्ड एन एच प्लस, ये है हमारा इमीन। अभी सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइट अगर इधर पे ऐड करेंगे तो इसका रोल क्या होगा, यहां से इसको रिड्यूस करेगा, राइट, क्लियर होगा। तो हम लोगों को जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, सो दैट विल बी योर के। तो ये हो गया हमारा जितना भी मैंने पिरोल का डिस्कस किया है, ये मैंने सी एस आई नेट गेट आई आई टी जे एम से पिकअप किया है, तो ये सफिशियंट है। अगर ये भी आप देखोगे तो बहुत सारे नॉलेज आपको आएगा। तो ये जो टॉपिक है आप क्लेडन फॉलो कर सकते हो, या वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है वो भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।